वो चेहरा देखकर मन की बातें कैसे जान लेता है। मैं जो मेरी मनोकामना लेके आया था उन्होंने सटीक जवाब दिया एक ही बार में। उसके छूने भर से आवाज कैसे लौट आती है। एक लड़की थी उसकी आवाज नहीं आ रही थी तो सरन महाराज जी ने उनके ऐसे से गले पे किया तो उसकी आवाज आ गई। उस बाबा को आपके घर का पता भी कैसे मालूम है। उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है, आपके मकान से दो घर छोड़ गए। वो कैसे जानता है कि आपकी शादी किससे होगी। घर में सुख शांति होगी, प्रेत वादा है, विवाह होगा, ठीक है, जीतू नाम के लड़के से होगा। हनुमान के दरबार में चमत्कार का सच क्या है। दिव्य शक्ति वाले सरकार का आज पूरा खेल सामने आएगा। हमें तो अभी अब तक पूरी सच्चाई ही लग रही है। ये वो दावे हैं, बातें हैं, किस्से हैं, सच है या झूठ है, हकीकत है या फसाना है, लेकिन जो भी है वो हैरान करने वाला है। चुनौती देने वाला है कि आखिर कैसे कोई शख्स बिना आपके बारे में जाने, बिना आपसे बात किए आपका हर राज जानता है। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी विद्या है, और क्या ऐसा संभव है? क्या ये संभव है कि हनुमान की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में हैं, आपके मन में हैं, सबके मन में हैं। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है। सच और झूठ, दावे और हकीकत का बेपर्दा होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि ये बाबा कौन हैं जो खुद को महाराज कहते हैं, सरकार कहते हैं, हनुमान की अलौकिक ताकत का स्वामी मानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का दतिया जिला, इसी जिले का एक छोटा सा कस्बा पंडोखर, और यहीं पर है पंडोखर धाम, जिसे लेकर दावा किया जाता है कि जो भी अपनी मुश्किलें, मुसीबतें और मुरादें लेकर पहुंचता है सब पूरी होती है, वो भी सिर्फ चेहरा देखकर। दावा है कि पंडोखर सरकार उर्फ गुरु शरण शर्मा के पास हर मर्ज का इलाज है। वो चेहरा देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान सब जान लेते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, पता, घर, खानदान, करियर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने हम भी पंडोखर धाम पहुंच चुके थे। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज सत्य और असत्य के बीच की ये दीवार हटेगी, आधी हकीकत का पूरा खेल दिखेगा, चमत्कार के फरेब से पर्दा हटेगा, बहुत बड़ा इम्तिहान होगा एक बाबा का। आज हम पहुंचे हैं पंडोखर सरकार धाम पर, जहां के महाराज गुरु शरण के बारे में दावा किया जाता है कि वो भक्तों की शक्ल देखकर समस्या बता देते हैं, और ना सिर्फ समस्या बता देते हैं बल्कि उसका ऐसा समाधान भी देते हैं कि सब चकित रह जाते हैं, और हर अमावस्या को यहाँ लोगों की भारी भीड़ लगती है। तो क्या है दावा, आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। पंडोखर धाम में हमने सबसे पहले जो देखा उसने हमारी हैरानी और बढ़ा दी। यहाँ बाहर का नजारा एक धाम का कम रेलवे स्टेशन का ज्यादा लग रहा था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य दरवाजे तक भीड़ ही भीड़ थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, विवाहित, अविवाहित, बीमार, सब इस भीड़ का हिस्सा थे, और ये कतार दर्शन के लिए नहीं बल्कि टोकन लेने के लिए थी। हमें बताया गया कि पंडोखर महाराज के दर्शन और उनसे मिलने से पहले टोकन लेना जरूरी होता है, लिहाजा हम भी कतार में लग गए। पांडोखर में श्री गुरुशरण महाराज की तस्वीर लगी है और नीचे लगी है कतारें। ये वो कतार है जो लोग यहाँ पर्ची कटवाने के लिए खड़े हैं,
क्योंकि बाबा जी से मिलने के लिए पर्ची कटवाई जाती है, जिसके बाद आपको एक सीरियल नंबर मिलता है और इस सीरियल नंबर को पाने के लिए लंबी कतार है। पुरुषों की अलग कतार है, महिलाओं की अलग कतार है और इस वक्त सैकड़ों से ज्यादा लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं और सैकड़ों से ज्यादा लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं। कोई दिल्ली से आया था, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड और ओडिशा से, और तो और कोलकाता से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से भी लोग यहाँ पहुंचे थे। लंबी लंबी लाइनें देखकर हम इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो है जो हजारों लोग पंडोखर महाराज के पास पहुंचते हैं। लिहाजा हमने कुछ लोगों से बात की और इसी दौरान हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली। हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। मेरी सेकंड टाइम से विजिट है, फर्स्ट टाइम से मैं आया था तो गुरुजी ने 5 अमावस्या करने को बोला था, तो ये मेरी सेकंड टाइम से विजिट है। वो बात क्या थी जिसने हमें सख्ते में डाल दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमारी बेकरारी उस बाबा से मिलने की थी जो खुद को अंतर्यामी कहता है। इसलिए बिना देर किए हम सरकार के दरबार की तरफ बढ़ने लगे। उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है। जी, जी, जी। आपके मकान से 2 घर छोड़ गए। पामी की मिट्टी नामका से और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी। स्थाई रोजगार एवं काम दाम में उन्नति, आप सोच के आए थे। थोड़ा हमारी राइटिंग खराब है, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक हो, देखना लाभ हो जाएगा, उसके लीवर ठीक हो जाएगा। पंडोखर सरकार के कथित चमत्कार को अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ हम दिल्ली से 464 किलोमीटर दूर महाबली के पंडोखर धाम पहुंचे थे, उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका दावा गुरु शरण महाराज भक्ति का दरबार लगाकर करते हैं। शक्ल देखकर समस्या और समाधान बताने वाले गुरु शरण महाराज का खुला दरबार खुली आंखों से खुला चमत्कार दिखाने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर पंडोखर सरकार एक तख्त पर आसीन हुआ। बाबा ने पहले दर्शन से ही भक्तों पर चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर इस मां बेटी को बाबा का पहला बुलावा आया। इधर हमारा कैमरा बाबा की हरकतों का एक एक फ्रेम कैद कर रहा था। मां बेटी को अपनी शरण में बुलाने के बाद बाबा एक क्लिप बोर्ड पर चस्पा एक पर्ची पर कुछ आड़े तिरछे अक्षर गढ़ने लगा। अब घड़ी बाबा के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। उत्तर दिशा में विवाह होगा, आशीर्वाद है, और सुनील नाम की लड़की से होगा आशीर्वाद। महिला और उसकी बेटी के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले बाबा ने उनका भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता दिया। ये कैसी माया थी? क्या ये सब हनुमान की उस कथित शक्ति का हिस्सा था या फिर बाबा का कोई दिमागी ट्रिक? खैर, इतनी जल्दी चमत्कार पर सवाल उठाना इन भक्तों की आस्था को आहत करता, इसलिए पहले हम सब कुछ देखते रहे। तभी बाबा ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे एक पति पत्नी को आवाज लगाई। इस बार बाबा का अंदाज किसी प्रकांड वैद्यराज जैसा था। बच्चे कितने हैं आपके? अच्छा, पास में आइए, इधर देखिए, इधर देखिए, आप भी देखिए, जो पढ़ने में नहीं आया टोक देना। 15 सितंबर सन दिख रहा है? ऐसा सन नहीं मटकाओ, यदि दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। भाई समझ में आना चाहिए, नहीं आएगी तो कोई मतलब नहीं। 15 सितंबर सन 2019-20 एवं 23 तक कृपा होगी, पूर्ण रूप से रोजगार स्थायी, ठीक है, और जमेगा पूर्ण रूप से, तनाव खत्म होगा, जीवन सुखी रहेगा, निरोग रहेगा, एवं चरम रोग का कारण भी बना हुआ है। आपको चरम रोग भी है, ठीक, चरम रोग है कि नहीं?
पुत्र, एक पुत्र को भी चरम रोग है, उसके पैर में कुछ निशान पड़े हुए हैं, वो ठीक होंगे, आशीर्वाद है। आप जो सरकार की आप ये बताइए कि आपके बच्चा को ऐसा है नहीं? घर में प्रेत वादा है, मकान के उत्तर दिशा में शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है, जी, जी, जी। आपके मकान से दो घर छोड़ के, जी। ठीक है, यहाँ नारियल धरो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए, नौकर सरकार की, हनुमान जी सहायता करेगी, आशीर्वाद है, जाइए। एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुनकर भक्त जयकारे लगाने लगे। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग भी बाबा की शरण में आए जिनका ताल्लुक मीडिया से होने का दावा बाबा ने हमारे सामने किया। ये आपके मीडिया ही से हैं, राकेश अग्नोत्री जी, भोपाल। अपने महिमा मंडन के बीच बाबा दोबारा सवाल पूछने वाले भक्तों पर भड़क जाते, लेकिन हमारा कैमरा ऑन था इसलिए वो अपने स्वभाव में सहजता का यू टर्न लेते रहे। तभी इस बाबा ने लीवर की बीमारी ठीक करने का ऐसा नुस्खा बता दिया जिसे जानकर देश के महान डॉक्टरों का माथा चकरा जाए। बामी की मिट्टी ऊपर से हल्की सी, जितनी इस उंगली से आ जाए अनामिका से, और इतनी ही नदी के घाट की मिट्टी जिसमें बालू कंकड़ ना हो, और पुष्पावती का जल में मिले करके प्रतिदिन राई के बीज के बराबर के आधे भाग, जितने दिन तक चले लाभ हो जाएगा, उसके लीवर ठीक हो जाएगा। लीवर की बीमारी मिट्टी से कैसे ठीक होगी, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। तभी एक और जोड़ा बाबा के करीब आया और अजीब सा सवाल पूछा। ये पर्ची कितने की कटवाई आपने? 500 रुपए की। जल्दी आ, जल्दी क्या बोलिए? बच्चे नहीं है। कितने बच्चे नहीं है? एक भी नहीं है। पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? थोड़ा हमारी राइटिंग खराब है, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक देख लेना। महिला को पुत्र रत्न की भविष्यवाणी के बाद बाबा ने इस परेशान नौजवान का चेहरा देखकर भविष्य बताने का दावा कर दिया। घरवाले के पेट में बालक है, वो 8 महीने का, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसने गड़बड़ नहीं आ रही है, रीढ़ की हड्डी तरफ। मैंने लिखा सुने, जिसने लिखा सुना, इसमें दो चीजें अलग से आई हैं। पहले एडिंग आपकी मन की नहीं है, स्थायी रोजगार एवं कामधाम में उन्नति होगी, ये आप सोच के आए थे, आपने पूछा नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा बालक का, कमर की रीढ़ कम जोड़ है, वह लेन देन चुकता होगा, आशीर्वाद है। लेकिन जी आप लेन देन के बारे में, स्थायी रोजगार के बारे में, काम धाम कर में जी आपने बदल गए, पहले आप ये पूछने आए थे रीढ़ की हड्डी के, आपने बाद में पूछा स्वास्थ्य के विषय में। यहाँ किसने पूछ तो नहीं जाता आपसे? अंदर बाबा भक्तों को भविष्य दर्शन कराता रहा और बाहर से बीच बीच में उसके चेले वायरलेस पर इंफॉर्मेशन का भोंपू बजाते रहे। क्या हुआ? आराम समझा दो, यात्री लोग हैं। तभी दरबार में एक और माँ बेटे का नंबर आया जिन्हें ये बाबा भविष्य बताने से पहले अतीत दिखाता रहा, फिर 2021 तक महा चमत्कार का नया दावा करता है। बोलो क्या बात है? क्या लिखा है? भूत बाधा है। भूत बाधा से परेशान है, परेशान है। 2014-2021 तक कृपा होगी। घर के पितर हैं, पिताजी हैं, अभी अभी गुजरे। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। गलत तो नहीं लिखा इसमें? ना। बाबा की महिमा देखकर भक्त हक्के बक्के थे। दवा और टोने टोटकों के दिव्य ज्ञान के बीच बाबा ने दिल के मामलों का दरबार भी लगा दिया। अपनी माँ के साथ आए इस लड़के को बाबा ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना कि किन किन लड़कियों से इसका अफेयर था। कोई लव अप चल रहा है क्या आपका? कुछ नहीं। पहले था। अच्छा, अब जो सच है वो बताना ही पड़ेगा यार। अच्छा बेटा, किस से था पहले? चेन्नई में था मैं जॉब के लिए, कॉलेज जॉब दोनों कर रहा था। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हमारे घर के सामने रहते थे। क्या नाम था? नाम
उतना लव रहा है, इससे शादी नहीं होगी। बाबा ने जिस लड़के की पुरानी मोहब्बत के तार छेड़े थे उसके मुंह से एक हां सुनकर दरबार जयकारों से गूंज उठा। ये कैसा करिश्मा था कि बाबा किसी इंसान की पूर्व गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख के तराजू को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये बाबा वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? क्या बाबा के पास सच में महाबली हनुमान की दिव्य शक्ति है? लेकिन अगले कुछ घंटे में ही बाबा की इस दैवीय शक्ति का तिलिस्म टूटने वाला है। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। हमारी निगाह बाबा के पर्ची लिखने से लेकर उसे बताने तक के सारे मूवमेंट को गौर से देख रही थी। हमारे कैमरा पर्सन भी अलर्ट थे। वो अपने फ्रेम में बाबा की पर्ची, बाबा की कलम और बाबा के एक्शन को बारीकी के साथ कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि अगर ये चमत्कार की जगह कोई ट्रिक होगी तो वो कैमरे से नहीं बच सकती। इस माया जाल में सुराख होने का वक्त करीब आ रहा था। ये महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी। बाबा ने सभी तरह की पर्चियां निकाली और अपनी आदत के मुताबिक फौरन इलाज बता दिया। यदि लग करेगी तो देव से होगी, अन्यथा शादी में 3 वर्ष टाइम है और कुंडली माता जी सही नहीं है। बाबा के मुताबिक लड़की की कुंडली में मंगल का दोष है, लेकिन इस महिला ने जब कथित अंतर्यामी बाबा के दावे से इनकार किया तो हम चौंक गए। बाबा की पर्ची फेल हो गई थी। बाबा ने फिर जोर देकर अपनी बात कही। इस बार अंदाज और लहजा थोड़ा सख्त था। आप रात में रुक जाइए और दरबार में बैठिए। मैं बेटी की तारीख, समय कहाँ जन्म हुआ, किसके सामने हुआ और तुम्हारे पति कौन थे और ये किसके बिंदुत्व से है, हम तो वहां तक बताने को रखते हैं। बाबा समझ चुके थे कि चूक हो चुकी है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने लगे और ढाल बनाया बजरंग बली को। तो मैं भगवान नहीं हूँ, तो जो बाबा का प्रेरणा मिलेगी मैं लिखूंगा, नहीं मिलेगी हम नहीं लिखते। मान चलो हम पुत्री नहीं लिखते, पुत्र लिख देते, गलत निकल जाती तो इनकी बदनामी होती, मेरा क्या जाता। यानी चूक हो तो हनुमान जी जिम्मेदार और दावा सच हो जाए तो बाबा की जयकार। खैर, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो बाबा खुद को त्रिकालदर्शी बताता हो, जो किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में झटपट बताने के दावे करता हो, शिव भगवान का चबूतरा बना हुआ है और जिसके दरबार में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हों, उसका दावा गलत कैसे हो गया? लेकिन इसी गलती ने सच की पड़ताल के हमारे इरादे को और सख्त बना दिया। इसी दौरान एक नेता बाबा के पास पहुंचे। नेताजी मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पर्ची वाले बाबा क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। 18 जून 2023 के परिणाम में सफलता प्राप्त मनोरथ पूर्ण होगा। 23 का जो गुट का निशान लगा ना, और ये गुट का निशान लगा, देखो ये गुट का निशान और ये गुट का निशान, कब सफलता मिलेगी? 23 में प्राप्त होगी। और 18 में जो योग है, जो 19 में नई सरकार बनने वाली दिसंबर जनवरी में, इसमें इनका योग बन रहा है, लेकिन उसके लिए हवन कराना पड़ेगा। बाबा की कैलकुलेशन के हिसाब से नेताजी ने देर कर दी थी, लेकिन इसी दौरान नेताजी ने बाबा के हाथ से लिखे कई पर्चे उनके सामने रख दिए, जिससे साफ था कि वो लंबे वक्त से बाबा के पास आ रहे हैं। मगर अब तक भविष्यवाणी सच नहीं हुई थी, मतलब ये कि भविष्य दृष्टा बाबा जी अब घेरे में थे। लेकिन बाबा ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया। आचार संहिता
लग चुकी है, हमारे पास 90 दिन नहीं है। 90 दिन है आपके पास? नहीं। मैंने जब भी बताया होगा तो आपसे कहा होगा श्रीमान 90 दिन के अंदर अनुष्ठान करा लेना पहले। नेताजी ने कहा कि वो अभी अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन बाबा फिर अपनी बात पर अड़े रहे और कहते रहे कि अब देर हो चुकी है, अब 2023 में ही इसका योग बनेगा। वो आचार संहिता का हवाला देते रहे। हम हैरान थे कि धार्मिक कार्यों का आचार संहिता से क्या मतलब, और फिर अभी तो पार्टियों ने टिकट भी नहीं बांटे हैं। अगर बाबा के पास इतनी ही दिव्य शक्ति है तो फिर अनुष्ठान से भाग्य बदलने के दावे से बाबा पीछे क्यों भाग रहे थे? साफ था कि सरकार के इस दरबार का एक और दावा फेल हो चुका था। इसका नियम यह है कि बुखार तुम्हारी टीवी की थी, अब कैंसर हो गया, इलाज कैंसर का चलेगा, तुमको अब टीवी की चलाओ। इसका अर्थ यह है कि इसका 90 दिन पहले होना चाहिए, और मैंने इनको कम से कम 6 महीने में 4 बार टोका। दादाजी आपको टोका या नहीं, बोलो मुंह से बोलो हाँ या ना। तो मेरा दोस्त कहाँ भैया? नेताजी ने फिर मिन्नतें की कि वो अनुष्ठान करवा देंगे, हवन करवा देंगे, लेकिन बाबा ने हाथ खड़े कर दिए थे। साफ साफ कह दिया कि अब कोई चांस नहीं बनता। नेताजी मायूस हो गए थे। पहली बार दरबार में कब आए? मैं 23/2/2012 को। हाँ। तो क्या अर्जी लेके आए थे? उस समय भी यही अर्जी लेके आया था मैं। क्या अर्जी लेके आए थे आप? मैं उस समय भी राजनीति की के मामले में ही अर्जी लेके आया था। तो क्या कहा था महाराज जी ने? महाराज ने लिखी है ना, पर्ची लिखी है। हाँ। योग है, योग है, राजनीतिक योग है करके। ये बाबा 6 साल से नेताजी को पर्ची के नाम पर टरका रहे थे, राजनीति में योग होने का दावा कर रहे थे, लेकिन बाबा के मुताबिक अब 2023 से पहले नेताजी के पास टिकट का कोई मौका नहीं। अब मामला जरा पेचीदा हो गया है। महाराज ने कुछ लिख लिया है पहले ही, और अपने किसी एक पुराने भक्त को कहा है कि उनको कहा, आप खड़े हो जाए एक बार, ये जो भक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा कि आप कोई भी आदमी चुनिए, उसके लिए जो बात लिखी है वो सच होगी, और जो ये शख्स मेरे सामने बैठे हैं वो चुनने के बाद यहाँ आए हैं, और इनका बारे में जो जानकारी है, दुविधा है या समाधान है, वो पहले ही लिखा जा चुका है, जिसके गवाह हम हैं। तो देखना होगा कि क्या ये तिगड़म ठीक बैठेगी। मामला वाकई बेहद पेचीदा था। बाबा का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। भीड़ के बीच से उठाकर एक शख्स को आगे लाया गया था, और बाबा हर बार की तरह पहले ही उसके दिल की बातें पर्ची में नोट कर चुके थे। इस बार बाबा को कोई चमत्कार ही बचा सकता था। हम तैयार थे और पर्ची खुलने ही वाली थी। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, पुत्र के लिए और थोड़ा मैसेज के स्वास्थ्य में गड़बड़ रहता है। 16 जुलाई 2019 से 20 एवं 21 तक लाभ होगा, मनोरथ पूर्ण होगा, स्त्री को प्रेत वादा है, लाभ व स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है, पूर्णता लाभ होगा। स्त्री माने ये लिखा भी है इस पर्ची पर, लिखा है 16 जुलाई से, ये क्या लिखा है, 2019-20 और 22 तक लाभ होगा, मनोरथ की पूर्ति होगी, स्त्री की सेहत प्रेत बाधा है, अच्छा स्त्री की प्रेत बाधा है, लाभ होगा पूर्णतः, और आज की तारीख लिखी गई है, ये इनके बारे में दावा किया गया है जो आपके सामने। साफ है बाबा की पर्ची कुछ और कह रही थी, और इस फरियादी के जहन में सवाल कुछ और थे। ये आदमी अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में पूछने वाला था, और बाबा ने स्त्री की प्रेत बाधा बता दी। लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला मौका आने वाला था। पुत्र के लिए क्या तबियत खराब है उसकी? पुत्र है ही नहीं। किसके? मेरे। सुना आपने, बाबा ने इस आदमी से पुत्र की तबीयत के बारे में पूछ दिया, तो जवाब मिला कि इसे तो बेटा है ही नहीं। यानी बाबा फिर से फंस चुके थे। लेकिन खुद को महाराज और सरकार कहने वाले ये बाबा अब बातों को घुमाने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे, और बातें करते करते पर्ची पर उंगलियां भी चलती रहीं। बाबा ने थोड़ी देर में दूसरी पर्ची सामने रख दी, बेटा होने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन शर्त के साथ। तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्र की कामना लेके आए? पुत्र की है ना, और कोई बोलो।
और मिसेज की तबीयत और बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं है बच्चे? आपने नहीं चाहा या पत्नी ने नहीं चाहा या कुछ बीच में डिस्प्यूट या कुछ विशेष कारण? चाहा नहीं था पहले बीच में, फिर बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया। आपकी बच्चियों ने? ठीक है। पुत्र की पुत्र सुता होगा शीघ्र, इसके लिए हवन होगा तब। मतलब बाबा जैसे ही फेल होता है तो फरियादियों से फिजूल के सवाल पूछते पूछते नई पर्ची भी लिखता रहता है। चमत्कार का तिलिस्म कैमरे पर अब टूटने लगा था, सच और हकीकत सामने आने लगी थी, लेकिन हम हर कसौटी पर बाबा को परख लेना चाहते थे, लिहाजा हमने अब खुद ही बाबा के पास जाने का फैसला कर लिया। पहले हमारी टीम के एक सदस्य ने बाबा से सवाल किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील खरे है। आप मीडिया वालों में क्या करते हैं सुनील जी? मैं इस समय उसमें प्रिंट मीडिया में हूं कहने की बात करते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम नाथूराम खरे है। नहीं और कुछ तो नहीं है जी? नहीं बिल्कुल। मैया का नाम? मेरी माँ का नाम शकुंतला देवी खरे। शकुंतला देवी खरे। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं? बाबा नाम, पिता का नाम, माता का नाम जान चुके थे, इसी दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी के सवाल जानने चाहे। हम जवाब देते इस दौरान पास में बैठी महिला से बातें करते रहे, लेकिन पर्ची पर उंगलियां चलती रहीं। हम चाहते थे कि बाबा पहले हमारे मन की बात बताएं, लेकिन बाबा ने एक बार फिर से गच्चा दे दिया। मैंने आपके बारे में लिखा मात कृपा, हां तुम्हारी, हां मात कृपा चाहते चाहते हैं जी। सोच लो। हाँ, सोच लो। हाँ, आप मनुष्य सोच के नहीं आए। हाँ, सोच लो। हाँ, सुनील खरे नाम है, पिता का नाम नाथूराम खरे। जी जी हाँ बिल्कुल। हाँ, माँ का नाम शकुंतला खरे लिखा हुआ है आपने जी। आप पढ़े लिखे हैं ना? जी जी बिल्कुल। अनपढ़ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, आपने तो मुझे बाद में बताया। तो बाबा की ये ट्रिक पकड़ी आपने। हमारे सहयोगी ने जो नाम पहले बाबा को बता दिए थे वही नाम पर्ची पर दिखाकर ये बाबा अपना चमत्कार चमका रहा था। बड़ी सफाई से बाबा ने अपने हाथ की सफाई दिखाई थी। चंद सेकंड में हमारी बात पर्ची पर लिखी, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की और फौरन हमें ये पर्ची दिखा दी। जरा 10 सेकंड पहले के इस दृश्य को फिर से रिवाइंड करके देखिए। आपका नाम क्या है? आप इनका सुन लीजिए पहले। हाँ, क्या बोलते हैं? बाबा ने वही नाम बताए जो हमसे पूछ कर लिखे थे, आशीर्वाद और कृपा वाली एक लाइन इसमें जोड़ दी थी और हाथ की इसी सफाई पर भक्त जयकारे लगा रहे थे। लेकिन हमारे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था। बाबा ने लिखा था मातृ कृपा रहेगी, जबकि हमारे जिस सहयोगी ने सवाल पूछा था उनकी माँ की मौत हो चुकी थी। बाबा हमें फिर से घुमाने लगे। वो चीज थोड़ा सा रह गई, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपसे समय चाह रहा था कि, लेकिन वो चीज सामने नहीं आ पाई। मारा आगे बेटा, है ना? आपने पूछा नहीं। मैं यही जानना चाह रहा था। रुको, इसके बाद पीछे से भैया आ जाए, आप जाइए। मैं आपके बारे में लिख के रख चुका हूँ जी। बस यही जानना चाह रहा था। हकीकत का अंदाजा होने लगा था। अब बारी हमारे एक और साथी की थी, लेकिन बाबा ने एक शब्द कहते ही पूरा पर्चा सामने रख दिया। मगर क्या सच यही था? आप भी देखिए। मेरा कनाडा फैमिली का जाने का हो गया। बस राइट, कितने लिखा? मात कृपा चाहते हैं 18 जून 2019 से 20 तक कृपा होगी, लाइन यही रहेगी और कनाडा में जीवन सभी सही रहेगा। कनाडा आप पढ़वा, अपन तो जो बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं, अपन कभी नहीं पुकारते, और हमें बदलने में क्या दिक्कत है? यही। और आपने मात आपने जी चेंज किया और कुछ नहीं है, इसको कनाडा ये हो कर लो, ये हो गया कनाडा। देखा आप बाबा किस तरह अंग्रेजी के शब्द को कनाडा बताने लगे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद जोर देते रहे कि उन्होंने कनाडा ही लिखा है। बाबा की पोल खुल चुकी थी, सच सामने आ चुका था।
गुरु शरण महाराज से जुड़ी बजरंग बली की कथित दैवीय शक्ति का रहस्य अभी पूरा खुला नहीं था। अंदर बाबा पर्ची पर चंद अक्षर लिखकर लोगों का भविष्य संवारने का चमत्कार दिखा रहे थे और बाहर भक्तों की भीड़ बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। सैकड़ों लोग एक पर्ची के काउंटर पर डटे थे। जिस सवाल ने हमें अंदर घुसते ही चौंकाया था, उसका रिश्ता इसी काउंटर से था। कईयों ने पंडोखर धाम के बारामदे में डेरा डाल रखा था। कई ऐसे थे जो सामान के साथ खुले आसमान के नीचे चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे थे। और हम ये सोच रहे थे कि अगर बाबा की कथित दैवीय शक्ति धोखा है तो इतनी भीड़ कहां से जुटती है। जरा सी पूछताछ के बाद ये राज खुलने लगा। इसका सीधा कनेक्शन पंडोखर सरकार उर्फ गुरु शरण महाराज के जबरदस्त प्रचार तंत्र से जुड़ा था। नेट से देखते थे जी, हम तो बहुत पहले से देखते थे, कई साल पहले से। तो फिर आने का दिल तो बहुत पहले करता था, लेकिन बस इसकी इच्छा भी हुई अभी आई। हरियाणा के करनाल से आए सुरेश जैसे और भी कई भक्त मिले जिन्हें सोशल मीडिया या यूट्यूब पर चमत्कार का पता चला। दिल्ली से आई एक लड़की ने भी सोशल साइट पर बाबा की कथित दिव्य शक्ति का महिमा मंडन देखा था। कैसे पता चला इन महाराज के बारे में आपको? यूट्यूब पे। क्या देखा था और आपको क्या लगा कि ऐसी चीज जो आपको लगा बहुत जबरदस्त? बहुत शक्तियाँ थी सर, देखी थी, एक लड़की थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, तो सर महाराज जी ने उनके ऐसे से गले पे किया तो उसकी आवाज आ गई। वो रोने लगी लड़की की, एकदम चमत्कार सा हो गया कुछ। तो और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। भीड़ में एक के बाद एक ऐसे भक्त मिलते गए जो बाबा के प्रचार तंत्र की ताकत से यहाँ तक चले आए थे। कैसे पता चला इस बार? पता तो यूट्यूब में वगैरह देखते थे, हमारे साथी लोग आते थे, शिवाना से वगैरह आते थे हमारे साथी, तो उन्होंने बताया चलो वहाँ चलो तो आपका काम हो जाएगा। जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, सुना था, और लोगों से जो कुछ सुना था, तो मेरे मन में जो आस्था जगी थी तो उसी के लिए मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा है, जो भी कहा है बहुत अच्छा कहा है, और मेरा जो आने वाला सुनहरा भविष्य है काफ़ी अच्छा रहेगा, और मुझे 5 अमावस्या करनी है मन से लगन से, तो मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इस भीड़ में हमारे कैमरे ने एक और चौंकाने वाली हकीकत को कैद किया। जिस काउंटर पर भक्त बाबा से मिलने के लिए पर्ची कटवा रहे थे, उस पर्ची का खेल आंखें खोलने वाला था। पता चला कि दैवीय शक्ति का असर तभी होता है जब 5 अमावस्या लगातार कोई बाबा के दरबार में माथा टेकने आए। ये सर आप पिछली बार कब आए थे और दोबारा आप आए हैं? हाँ, ये हर महीना आना पड़ता है और अमावस को आना पड़ता है। अमावस्या को ये लगती है, 5 अमावस्या करनी पड़ती है। 5 अमावस्या करनी पड़ती है, तो कितने की पर्ची आप कटवाते हैं? ये आपकी श्रद्धा के अनुसार है, 100 रुपए से लेके 1100, 2100, 2200। पिछली बार कितने की कटवाई थी आपने? पिछली बार हमने 7200 की कटवाई थी, सेम डे आता है उसमें। अच्छा, वेट नहीं करना। अच्छा, 7200 कटवाओ तो तत्काल सेवा में आपको तुरंत मिल जाता है। तुरंत मिल जाता है। और अब की बार कितने की श्रद्धा है? 1100 रुपए। 1100 रुपए की श्रद्धा है। तो इस तरह से एक पर्ची मिलती है जिसपे लिखा गया है कि कार्यालय सदर बाजार मोरार ग्वालियर, टोकन नंबर है, क्रमांक है, दिनांक है, समय है, नाम है और मोबाइल नंबर यहाँ लिया जाता है। तो यहाँ पर्ची कटवाने की कितनी देर बाद नंबर आ जाता है? ये तो 4 घंटे 5 घंटे अगर VIP में कटवाते हैं तो तुरंत आ जाएगा, और अगर कम पैसे की है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले दिन। तो असली खेल यहाँ था। बाबा के कथित चमत्कार को देखने के लिए 7100 से लेकर 1100 रुपए तक की पर्ची काउंटर पर पहले कटवानी पड़ती है। हाँ, एक शर्त और है जो भक्तों की सुविधा और बाबा के फायदे से जुड़ी है। यहाँ इमरजेंसी जैसी फैसिलिटी भी है। अगर किसी को चमत्कार देखने की बहुत जल्दी है तो 7100 वाली पर्ची लगेगी, दर्शन तुरंत हो जाएंगे। हर महीने अमावस्या से पंचमी तक हजारों लोग ये पर्ची लेते हैं। साफ है कि बाबा की दुकान में मुनाफा 100% है और खर्च 0। जिस पंडोखर धाम में ये बाबा अपना साम्राज्य चलाते हैं,
वहां के महाबली मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसे महाभारत काल में पांडवों ने बनवाया था। कहते हैं कि यहां की हनुमान मूर्ति को पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया था। इसी धाम में गुरुशरण शर्मा उर्फ पंडोखर सरकार पिछले 20 साल से सूरत देखकर समस्या पहचानने का दावा करते रहे। हमने पूरा दिन बाबा के साथ ही बिताया था। हम जान चुके थे कि ये कोई चमत्कार नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। हमारे कैमरे में कैद एक एक तस्वीर बाबा की पर्ची का सच बता रही थी, लेकिन हम बाबा के मुंह से ही इसकी हकीकत जानना चाहते थे। हमने पूछा कि वो कैसे किसी की सूरत देखकर मुश्किलें जान लेने का दावा करते हैं। जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। अंतर मन से जो तरंगे मिलती हैं, वह मैं पर्ची पर कलमबद्ध कर देता हूं। उसको चाहे ये माने कि हनुमान जी महाराज मेरे कान में बता रहे हैं, या चाहे ये माने कि श्री आतिन महाराज हमको प्रेरणा दे रहे हैं, या ये माने कि कोई अदृश्य शक्ति लिखवा रही है, या ये माने कि विज्ञान का योग है, कोई टेक्निक है, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए शोध का विषय है। यानी बाबा की माने तो किसी भी शख्स को देखते ही उनके दिव्य मन का मेमोरी कार्ड एक्टिव हो जाता है और सामने खड़े शख्स का डेटा उनकी जुबान तक आ जाता है। अब सवाल ये था कि लोगों का मन पढ़ने वाला बाबा कहीं माइंड रीडिंग में माहिर तो नहीं? दिमाग से दिमागी परेशानी और बीमारी को पढ़ने की ताकत को ही कहीं चमत्कार कहकर प्रचारित तो नहीं किया जा रहा? साइंटिफिक टर्म है माइंड रीडिंग। तो क्या आप लोगों की नजर में नजर डाल के माइंड पढ़ते हैं? जैसे कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ माइंड रीडिंग के विषय में, ये एक अध्यात्म के श्रेणी में बताऊँ, ये ऋषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश में समस्त विद्याएं हैं। यहाँ ऐसी विद्या कोई बाकी नहीं जो भारत भूमि पर ना हो। तो मैं रीडिंग के विषय पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये विद्याएं होती हैं और किसी के पास होगी भी। रीडिंग में वो होता है जो दिमाग में चल रहा हो या पहले से कोई सेटिंग हो तो ही लिख सकते हैं, अन्यथा असंभव है, या भगवत कृपा हो। तो ये आज की योग पीढ़ी को शोध के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए आगे पढ़ना चाहिए। अब हमने चमत्कार के दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने का फैसला किया। हम माइंड रीडर के पास पहुंचे और पूछा कि क्या इसे चमत्कार कहा जा सकता है? ये एक चमत्कार नहीं है, मैं तो इसे चमत्कार नहीं मानता, क्योंकि इसे स्किल्ड तरीके से समझना, इस स्किल्ड तरीके से इसको जानना और इसकी प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट। माइंड रीडर सुमित खरबंदा ने हमें ये बताया कि कैसे प्रैक्टिस और अनुभव से किसी शख्स का चेहरा देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। सुमित ने इसे करके भी दिखाया। हमें 2 से 8 के बीच कोई भी नंबर सोचने को कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आप एक नंबर सोचिए 2 से 8 के बीच में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक नंबर सोचा जो आपके माइंड में अभी है, राइट? इसके बाद माइंड रीडर सुमित ने कुछ नोट किया। थोड़ी देर बाद हमसे वो नंबर पूछा जो हमने सोचा था। आप बताएं एक बार कैमरे पर आपने क्या सोचा? ओके, गोनिका है यहाँ पर, गोनिका ने एक नंबर एक सोचा है, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये इन्फ्लुएंस था, आपने इस बारे में हमारी क्या बात हुई है कि आपने क्या नंबर बोलना है, क्या नंबर सोचना है, ऐसा कुछ नहीं? खुद का चॉइस था, मेरी हमारी इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई है। ओके, सो मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, एक बार आप प्लीज़ देखिए, और इफ यू वांट यू कैन शो इट टू द कैमरा। आई विल से 5, इसमें लिखा है कि मैं 5 नंबर बोलूँगी, और ये मेरे कैमरा पर बोलने से पहले आपने लिखा है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये किस तरह आपने मेरे दिमाग में जो नंबर था आपने उस नंबर को जाना। मैं यही बता रहा था कि किसी पार्टीज़ वगैरह में जैसे हम मिलते हैं, किसी इंसान को ज़्यादा नहीं जानते, सो इस तरह से एंटरटेनमेंट जो सरप्राइज़ कर दें किसी को, एक हैरान कर दें किसी को कि कैसे इंसान ने मेरे मन की बात पढ़ ली, यही चीज़ें हम लोग एंटरटेनमेंट में इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो दूसरे वे में, जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग इसे गलत वे में दूसरे तरीके से लेकर ठगते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्किल है, ये सिर्फ एक आर्ट है जिसको हम प्रैक्टिस करने से थोड़ा क्विक तरीके से कर लेते हैं। इसी तरह सुमित ने हमसे कई चीजें पूछी और सभी का जवाब सही निकला, जबकि सुमित कोई बाबा नहीं है, यानी ये चमत्कार नहीं बल्कि एक कला है, एक साइंस है।
दरअसल मुसीबतों से घिरा शख्स हर उस दरवाजे को खटखटाता है जहां से भी उम्मीद की थोड़ी किरण नजर आती है, और आम लोगों की इन्हीं मजबूरियों के बूते बाबाओं की दुकान चलती है। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमने जो देखा वही बताया, और बाबा के दावों को हर कसौटी पर परखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये चमत्कार नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम पर आडंबर और ढोंग में उलझाकर अंधविश्वास फैलाने जैसा है। लिहाजा होशियार रहें, समझदार बनें और दूसरों को भी जागरूक करें।